क्या करता है आप जानते हैं, चाहे लाल सुभाष से उसकी बेटी का घटना होती है, चाहे बेटी राम की घटना होती है। मैं अपना पक्ष आपको जाना चाहिए, मेरा पक्ष जाना चाहिए। जलालपुर में छह पंचायत का चुनाव चला, हमारे मित्र हैं, आज तक भाजपा ही है, भाजपा के विधानसभा में क्या है, उनको भाजपा से लेकर धन्यवाद है। कभी मसुआ भाईचारा, कभी सुबह भाईचारा लहर आई गई, तो मौसम वैज्ञानिक बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक है, मौसम देखते हैं, लोग उत्साह देखते हैं। मैं इस परिवार में पढ़ा बढ़ा, मैंने राजनीति के ही सुनी, दर्शन ही पढ़ा, दीनदयाल जी को पढ़ा, इतने लोग बैठे कोई एक कह दे कि मैंने किसी को खोज किया है, किसी को काम करना है, किसी को नहीं करना है, कोई एक पीढ़ी जी बता दे, कोई एक प्रधान बता दे, समाज का कोई व्यक्ति बता दे, चुनाव चल रहा था, भाजपा से समर्थन कांग्रेस तिवारी को किया था, राम बेली राम जो था भाजपा से समर्थन लिया गया था, इनको पार्टी का अस्तित्व मिलवा नहीं मिला गया, इन निर्दल चुनाव लड़ा। मैंने पूरी ईमानदारी और चुनाव की प्रक्रिया के दौरान 15-20 दिन तक मैं ऐलान कराया नहीं, और जब किसी एक व्यक्ति को फोन कर मतदान किससे पक्ष करना, प्रमोद बैठे दौरा के भाजपा एक काम करता है, आप अगर फोन कहेगा आपके तौर पर, तो मैंने किसी को फोन के चुनाव समय बराबर दे दिया। मेरी सक्रियता सबसे हुई, डब्ल्यू जी है हमारे परिवार के हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति है, मनोहर पटेल जी विधानसभा के प्रधान रक्षण, जिस गाड़ी से बच्चों का अगवा किया गया, जब कोई गाड़ी नहर पर से आते हैं और चढ़ते हैं हाईवे पे, वहां स्कॉर्पियो लगा दी गई, उसमें हमारे 3-6 पंचायत सदस्य बने थे, उसमें डब्बू जी थे, हरिपुर का पीडीसी था, उत्तर का पीडीसी था। मेरी बात का विश्वास मत करिएगा, और जिस गाड़ी से अगवा किया गया वो एक बहुत जागरूक पत्रकार के बारे में, इन लोगों से पूछ लीजिए क्या हुआ, दो स्कॉर्पियो रात 9 बजे लगा दी जाती, बच्चों को अगवा करके एक बहुत बड़े बहावरी के दरवाजे लिया जाता है, हो जाए एक ही के तीनों बेटों को वैसे फेंक दिया गया था, बड़ा असर इसके लिए बच्चों को लाया गया, सीएससी पे सीएससी से रेफर हो गया, बड़ा जो उपचार हुआ, ईश्वर की कृपा से आपके आशीर्वाद से बच्चे आप स्वस्थ। एक षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र के था कि तरह आतंक बचा दो 7 तारीख को, 8 तारीख को नामांकन न कर पाए। यहां से मेरी भूमिका शुरू हो रही, उससे पहले चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं, तब मैंने कहा नामांकन भी होगा, पदनामा देवी ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, मेरे रहते कोई व्यक्ति गरीब कमजोर व्यक्ति को आतंकित करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं, सम्मान की अपेक्षा रखते हो तो सम्मान करके क्या करना, जो विरोध सक्रिय था वो कहे सक्रिय था, उस गिरोह को 5-7 लाख को लूटना था, उसको लूटना था। मैंने बार बार पूछा, विधायक जी से पूछा, उनके छोटे भाई को चिकित्सक उनसे पूछा, जो भाई परिवार में आप लोग चर्चा कर रहे थे, जब अक्षर हुआ तो राजेश मुक्ति चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहने लगे चुनाव बहुत महंगा है, हम लोग चुनाव से बाहर हो गए। हमारे जिला अध्यक्ष ने पूछा, हमारे पंचायत चुनाव के प्रभारी ने पूछा, आदरणीय ब्रह्मदेव मिश्र जी ने, उन लोगों ने बार बार मना किया, बीच एक षड्यंत्र रचा गया कि हम एक 3 लोग पैसा लगाएंगे, तुम्हारी भाजाऊ ब्लॉक प्रमुख बनेगी, ब्लॉक टिकट हम चलाएंगे। उस मीटिंग में 3-4 यूनिवर्सिटी इकट्ठा हुए, पैसा लगाने में नाम उनका आगे करेंगे, प्रगति हम करेंगे। इस तरह के षड्यंत्र के तहत दावेदारी की गई, और ये विश्वास सच्चा सत्ता पक्ष है। मैं
मार पीट के आतंक बचा के नामांकन नहीं कर देते। मुझे पूरी सहानुभूति है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हर बार